हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं कि आप सभी ठीक है, मस्त हैं, इंजॉय कर रहे हैं। और मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर अब फिर से आपके सामने आ गया हूं। इस बार सब्जेक्ट है B2B एंड सर्विस मार्केटिंग। MBA के लिए स्पेशली सब्जेक्ट डिजाइन है और MBA सेकंड सॉरी फोर्थ सेम के लिए सब्जेक्ट है ये। MBA फोर्थ सेम के लिए मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाया हूँ। बहुत सारे सब्जेक्ट्स के ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। आपने अभी तक अपनी तैयारी, आपके कहाँ तक चल रही है, एग्जाम बहुत नजदीक है आपके, आप बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि आप दिलो जान से पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन ये भी बता दें कि इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको कितने आते हैं। तो चलिए 10-11 क्वेश्चन में लेकर आता हूँ और भगवान का बहुत रहमो करम है अपने ऊपर कि ये क्वेश्चन बैठ जाते हैं। तो आप भी, क्योंकि हमारी टीम काफी मेहनत करती है, टीम जो है वो पूरे 5 साल के पेपर एनालिसिस करती है, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के पेपर एनालिसिस करती है, रिपीट चेक करती है और इसको फिर मैं क्रॉस वेरीफाई करता हूँ और फिर हम आपके सामने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो लेकर आते हैं। ठीक है, इसके डिटेल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। आपने अभी तक अगर B2B के डिटेल वीडियो नहीं देखे तो वो देख लीजिएगा, उसके बाद ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा या ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के बाद वहां जा सकते हैं। इसकी पीपीटी टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मैं जल्दी शेयर कर दूंगा, आप देखिएगा। अगर ये वीडियो नहीं देख पाए आपके कोई भी दोस्त तो उनके साथ वो पीपीटी शेयर कर देना ताकि उनका भी कुछ भला हो जाए। ठीक है, पीपीटी वीडियो शेयर करो ना करो, पीपीटी जरूर कर देना ताकि उनको पढ़ लें और उनके अच्छे नंबर आए तो हमारे को और उससे ज्यादा खुशी किसी बात से नहीं। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से स्वागत कर रहा हूँ। पहला जो इसके अंदर क्वेश्चन बनता है कंज्यूमर मार्केट वर्सेस बिजनेस मार्केट का, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो पहले तो इस लिस्ट में नहीं था लेकिन मैंने इसको एडम कराया क्योंकि ये नया क्वेश्चन है, बिल्कुल एकदम नए कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है। कंज्यूमर मार्केट क्या होता है और बिजनेस मार्केट क्या होता है, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है हमारा B2B है। जब हम B2C में जाते हैं तो कंज्यूमर मार्केट आता है, सॉरी कंज्यूमर मार्केट आता है, लेकिन जब हम B2B में जाते हैं तो बिजनेस मार्केट आता है। दोनों में क्या डिफरेंसेस है, बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। अगला चलते हैं CRM की प्रोसेस, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। लेकिन याद रखना यहाँ पर CRM की प्रोसेस HRM की प्रोसेस वाली नहीं चलेगी, क्योंकि यहाँ पर जो HRM की प्रोसेस चल रही है CRM की प्रोसेस, मतलब HRM में हमने जो पढ़ा था ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वो हमने B2C वाला पढ़ा था। यहाँ पर हम कस्टमर कौन है, अरे मैन्युफैक्चरर के लिए होलसेलर और रिटेलर है, तो यहाँ पर CRM की प्रोसेस तो वही रहेगी लेकिन आपका उसकी जो डिटेल होती है वो चेंज हो जाती है। तो याद रखना आपका पेपर जब B2B है यानी बिजनेस टू बिजनेस है तो यहाँ पर CRM की प्रोसेस भी बिजनेस टू बिजनेस यानी कि मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर कंसर्न होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग प्रोसेस की। कोई ऑर्गेनाइजेशन बाइंग करती है, जैसे कि कोई मैन्युफैक्चरर से कोई चीज बाय कर रहा है, एक होलसेलर है मिस्टर पिंटू, भैया हमारे मिस्टर पिंटू होलसेलर बन गए अभी। अब ये पिंटू जी अगर मैन्युफैक्चरर से कुछ चीज बाय करते हैं तो उसकी एक बाइंग प्रोसेस डिफरेंट होती है। एक रिटेलर तो क्या चेक करता है, उसका ट्रेंड चेक करता है, टेस्ट चेंज करता है, हैबिट चेक करता है, क्वालिटी चेक करता है, यूजेज चेक करता है, लेकिन एक जो होलसेलर है या रिटेलर है कोई चीज बाय करता है तो ज्यादा प्रॉफिट के लिए चेक करता है, तो उसकी बाइंग प्रोसेस डिफरेंट होती है और एक रिटेलर या कंज्यूमर की बाइंग प्रोसेस अलग होती है। सॉरी, कंज्यूमर की अलग होती है, रिटेलर और होलसेलर की डिफरेंट होती है। तो ये आपको बार बार याद रखना है, तो ये भी बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट, 3 C's ऑफ प्राइसिंग कॉस्ट। 3 C's कौन कौन से हैं भैया, कस्टमर है, कंपटीशन, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी और कॉस्ट है। इसके अकॉर्डिंग हम प्राइसिंग करते हैं यानी प्राइस फिक्सेशन करते हैं, ये आप हमेशा याद रखिएगा। 3 C's ऑफ द प्राइसिंग आपका एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर्विस इनोवेशन एंड डिजाइन। अब ये एक प्रोडक्ट B2B के अंदर अपना दूसरा देखिएगा, सब्जेक्ट अपना क्या है B2B एंड सर्विस, तो ये B2B के क्वेश्चन हुए हैं, अभी सर्विस के बाकी हैं, दो सब्जेक्ट का कॉम्बो है याद रखिएगा। तो ये सर्विस का अगला जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलता है, सर्विस इनोवेशन क्या होती है, सर्विस को हम डिजाइन कैसे करते हैं। अभी मैं आपको क्या दे रहा हूँ, डिलीवरी दे रहा हूँ सर्विसेज की, एक आप YouTube की तरह क्या ले रहे हैं, एजुकेशन एक सर्विस है, डॉक्टर एक सर्विस है, लॉयर एक सर्विस है, सीए एक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक सर्विस है, वो सर्विसेज देते हैं। तो देयर इज अ पर्टिकुलर मेथड हाउ द सर्विस विल टू बी डिलीवर्ड टू द कस्टमर। अब यहाँ पर कस्टमर आ गया, यहाँ पर बिजनेस एंटिटी नहीं, यहाँ पे कस्टमर है, तो इस कस्टमर को आपको याद रखना है। द गैप मॉडल, अब ये गैप मॉडल तो बार बार भैया अभी मार्केटिंग एनालिटिक्स में मैं निकाल के बताया है, गैप मॉडल बार बार पूछा जाता है और सर्विस क्वालिटी ये बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। रोल ऑफ एडवर्टीजमेंट, ये केस स्टडी भी इससे बनती है याद रखना, अगर केस स्टडी आती है तो रोल ऑफ एडवर्टीजमेंट से बार बार केस स्टडी पूछी जाती है कि एडवर्टीजमेंट से आप केस स्टडी बताइए और इसके क्या क्या रोल होते हैं वो भी हमको बताना है। पर्सनल सेलिंग के एडवांटेज, ब्रांड बिल्डिंग में हेल्प करना, पर्सनल सेलिंग क्या होती है, सर्विस मार्केटिंग में कैसे हेल्प करती है, पर्सनल सेलिंग की लिमिटेशंस क्या होती है, कॉस्ट ज्यादा होती है, बजट ज्यादा लगता है,
और इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज बहुत पूछे जाते हैं। एडवांटेज और लिमिटेशन बेसिकली उसको बोलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस प्रोडक्ट्स एंड कस्टमर्स, ये एक मतलब एक साल आता है, अगले साल ये चेप हो जाता है, फिर अगले साल आता है, फिर एक साल गैप हो जाता है, ये बार बार इस तरीके से क्वेश्चन रिपीट होता है। तो इस साल आएगा कि नहीं आएगा वो तो एग्जामिनर ही जानता है, लेकिन हमारा काम था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देना। तो क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस प्रोडक्ट्स एंड कस्टमर बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। पब्लिसिटी एंड पब्लिक रिलेशनशिप, एडवर्टीजमेंट अलग है, पब्लिसिटी अलग है। पब्लिसिटी एडवर्टीजमेंट इज अ पार्ट ऑफ द पब्लिसिटी, यानी कि ये पब्लिसिटी है तो एडवर्टीजमेंट इसका एक पार्ट है, तो ये आपको याद रखना है। और पब्लिक रिलेशंस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अगला सीआरएम की प्रोसेस, ठीक है, 10 ही क्वेश्चन है। हाँ, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, 10 क्वेश्चन मैंने बता दिए, पब्लिसिटी एंड पब्लिक रिलेशन। आई होप सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। आप मुझे ये बताइएगा कि आउट ऑफ 10 आपको कितने क्वेश्चन आते हैं, आपको इनके डिटेल वीडियो चाहिए नहीं चाहिए, जितने जनों को चाहिए होंगे, जिस टॉपिक के चाहिए, मैं बनाने को तैयार हूँ, मैं पूरी मेहनत करने को तैयार हूँ, आप भी मेहनत कर रहे हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। जल्दी टेलीग्राम ग्रुप पर भी इसकी पीपीटी शेयर हो जाएगी, वहां से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट में आपकी समस्या हो तो अपन कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू।